सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल में दिए हुए घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे लैपटॉप के बारे में जो आप अगर स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, ज्यादातर ट्रैवलिंग करते हैं और आपका आउटडोर का ज्यादा काम है तो ये लैपटॉप आपके बहुत काम आ सकता है। इतना छोटा भी नहीं है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। खूबियाँ इसमें बहुत सारी हैं, प्राइस बहुत कम है। इसके जितनी परफॉर्मेंस रिव्यू हैं वो है सब पॉजिटिव और जितने भी नेगेटिव हैं वो बहुत ही कम है, माइनर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके प्राइस से लेके नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से है, ये क्या परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप की और आपको कितने बजट में ये मिल सकता है और कैसे ये कम बजट में आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा उस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेगी सबसे पहले। दोस्तों जिस लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ ये है HP कंपनी का और ये बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है जो आप कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है 14 इंची की डिस्प्ले, यानी 14 इंची का लैपटॉप है और 14 इंची ऐसा होता है कि हर किसी के बैग में आसानी से आ जाता है। 15.5 इंची में ये प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे स्मॉल बैग या मीडियम साइज के बैग में वो आता नहीं है और आता है तो बहुत ही कस के आता है। इसलिए 14 इंची का जो लैपटॉप होता है वो कैरी करने में बहुत आसान होता है और आप उसको हथेली में हैंड में लेके भी आराम से काम कर सकते हैं। हैंड में लेके भी एक हाथ से लोग काम करते रहते हैं ट्रैवलिंग करके या घूम के, या थोड़ा दूर बड़ा ऑफिस रहता है या आउटडोर में रहते हैं तो वो चक्कर लगा के काम करते हैं, तो उसमें 14 इंची का लैपटॉप बहुत अच्छा काम में आता है। इसको आसानी से प्रोजेक्ट आपने खोल रखा है, आपको किसी को दिखाने जाना है, आप लेके अपने हाथ में जा सकते हैं और इतना भारी भी नहीं होता। फीचर इसके सारे ही दमदार होते हैं, आगे मैं फीचर से ही बात करने वाला हूँ। दोस्तों इसके अंदर जो आपको मिलेगा वो 4GB का DDR3 रैम मिलता है। 4GB रैम एक लैपटॉप में होना बहुत बड़ी बात है, यानी बहुत अच्छी बात है। आज के जो टाइम में है 2GB रैम से भी काम चल जाता है, लेकिन 4GB रैम से आप ये है कि कितना भी हैवी जो वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक्स है या कुछ भी हैवी काम आप कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं तो भी आप 4GB रैम से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और 4GB रैम से ये फ़ायदा होता है आम लोगों को भी, स्टूडेंट को भी, कि आप एक साथ कई सारी विंडो खोल सकते हैं और वो हैंग नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपके काम आ सकती, सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत सारे आपने ऐप्स खोल रखे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम खोल रखे हैं, रन कर रहे हैं बैकग्राउंड में, लेकिन इससे आपका लैपटॉप हैंग नहीं होगा और बहुत अच्छी स्पीड में काम करेगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ HP के A6 APU 245 सीरीज वाले लैपटॉप की। ये लैपटॉप आपको बहुत ही कम प्राइस में आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें 4GB रैम मैंने आपको बता दिया कि 4GB DDR3 रैम है, 500GB की हार्ड डिस्क है इसके अंदर, अच्छी वाली हार्ड डिस्क है, अच्छी क्वालिटी की हार्ड डिस्क है, जो मॉडर्न आजकल आ रही है हार्ड डिस्क वो वाली इसमें हार्ड डिस्क है। आप अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इसमें लगा सकते हैं। साथ ही इसमें आपको DVD राइटर भी दिया हुआ है, यानी DVD राइटर का भी ऑप्शन है। बहुत सारे लैपटॉप में आजकल ये चीज़ नहीं आती है, लेकिन इतने छोटे लैपटॉप में, यानी 14 इंची के लैपटॉप में आपको DVD राइटर भी मिल रहा है, तो ये आपके काम की चीज़ है। कभी विंडो खराब हो जाती है या कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, कभी आप वीडियो गेम खेलते हैं तो उसके साथ भी सॉफ्टवेयर की CD आती है, जिससे आपका काम सारा आसान होता है। मैं चीज़ बता दूं कि ये वाला जो लैपटॉप है HP का A6 245 APU, ये एक तरह से गेमिंग के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि इसमें है रेडियन R4 ग्राफिक्स जो बहुत ही हैवी गेम होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग बहुत ही आसान कर देता है, हैंग नहीं होता। आप गेम खेलने के साथ साथ कई मल्टीटास्किंग और भी कर सकते हैं, यानी आपने जैसे वीडियो प्लेयर भी चला रखा है, गेम भी खेल रहे हैं, साथ में वर्ड फाइल भी खुली हुई है, ईमेल भी खुला हुआ है, ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, तो ये सारी विंडो बैकग्राउंड में चलती रहेंगी और ये जो गेम है वो हैंग नहीं होगा। तो ये गेम के पर्पस से ही बनाया गया है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब मैं बता दूं कि इसकी जो डिस्प्ले है वो 14 इंच की एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। एंटी ग्लेयर का मतलब ये होता है अगर आप साइड से भी देख रहे हैं तो भी आसानी से सब कुछ क्लियर दिख जाता है, और अगर सामने से भी देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता। बहुत सारी स्क्रीन में ऐसा होता है कि रिफ्लेक्शन पड़ता है, पीछे से कोई लाइट पड़ रही है या आप अंधेरे में काम कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन बहुत तेज होता है, इसमें आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है।
और सबसे अच्छी बात बता दूं, अब बैटरी में बात बताऊंगा, 3 सेल की बैटरी है और जो एक बार फुल चार्ज होने के बाद 4 से 4.5 तक का इसका बैकअप है। 4.5 घंटे आप कंटिन्यू इसको ब्राउजिंग कर सकते हैं, कंटिन्यू गेम खेल सकते हैं, कंटिन्यू वीडियो देख सकते हैं, तो भी 4.5 घंटे में इस ये डिस्चार्ज नहीं होगा। 4.5 घंटे से ज़्यादा अगर आप यूज करते हैं, 5वें घंटे में पहुँचते हैं, तो ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको चार्ज करना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूँ कि चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में, 2 से 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, और एक बार चार्ज होने के बाद 4 घंटे 4.5 घंटे आराम से चल जाता है, अगर आप हैवी कोई काम कर रहे हैं और लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अगर आप हैवी काम नहीं कर रहे, कंटिन्यू काम नहीं कर रहे, तो कम से कम 2 दिन इसकी बैटरी बैकअप है, यानी 2 दिन आप आसानी से काम कर सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भी काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो भी आप 2 दिन आसानी से काम कर सकते हैं। और अगर आप इसे बहुत कम केवल ईमेल चेक करने में यूज करते हैं, दिन में 2-3 बार खोलते हैं, तो आप 4 से 5 दिन आराम से चला सकते हैं। दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है AMD का, और जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz। क्लॉक स्पीड आजकल इतनी ही आती है, और 20,000 तक के जो लैपटॉप आते हैं उसके अंदर 1.6 1.9 GHz की क्लॉक स्पीड आती है, लेकिन इसके अंदर आपको 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड मिल जाएगी। AMD का जो सबसे लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है वो इसके अंदर है, साथ में ग्राफिक्स कार्ड अलग से लगा हुआ है, वो भी AMD का ही है, साथ ही ग्राफिक्स कार्ड भी इसमें लगा हुआ है Radeon R4, जो अभी तक लेटेस्ट AMD के साथ जो लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड आते हैं उसमें से ही एक कार्ड है, जो गेमिंग खेलने और ग्राफिक्स वाले जितने भी काम होते हैं उसको स्मूथ करने के, हैंग से बचाने के लिए यूज होता है। इससे आप काफी अच्छी गेमिंग भी खेल सकते हैं। केवल इसमें एक चीज नहीं दी हुई है, विंडो आपको इसमें डली हुई नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप कम प्राइस में लेना चाहते हैं इसी लैपटॉप को, तो विंडो आपको नहीं मिलेगी। डॉस पे है और 2 वर्जन पे ये आ रहा है, डॉस पे आ रहा है और लाइनेक्स पे आ रहा है, तो आपको जो जौन सा अच्छा लगता है इसके अंदर अपडेट, वो चीज आप ले सकते हैं। विंडो डालनी है विंडो में चला सकते हैं, लाइनेक्स से चलाना है लाइनेक्स वाला ले लीजिए, और विंडो लेना है तो डॉस वाला ले लीजिए। वैसे लाइनेक्स में विंडो पड़ जाती है, तो 2 वर्जन आते हैं डॉस के और लाइनेक्स के, जब भी आप लें तो ये चीज जरूर देख लें। दोस्तों इसमें 1 ईयर्स की ऑन साइट वारंटी है। ऑन साइट का मतलब ये होता है आप जहां हैं जिस शहर में भी हैं आपको कंपनी की तरफ से सर्विस आपके घर तक मिलेगी, आपके ऑफिस तक मिलेगी, इसे कहते हैं ऑन साइट वारंटी। तो 1 ईयर्स की ऑन साइट वारंटी है। और अब मैं बात करता हूं इसके रेट और प्राइस की। तो इसके दोस्तों अगर आप अमेजन पे इसे चेक करेंगे तो 18,000 रुपये में ये लिस्टेड है amazon.com पे, इंडिया की वेबसाइट पे, और अगर फ्लिपकार्ट पे देखेंगे तो आपको ये 19,000 के करीब करीब लिस्टेड है, 18,990 रुपये में लिस्टेड है वहाँ पे। अगर आप स्नैपडील पे देखेंगे तो ये आपको 21,000 से 22,000 रुपये में लिस्टेड है, कभी कभी ये 19,000 का भी हो जाता है, कभी कभी ये 21-22 का भी लिस्टेड रहता है। अब मैं आपको बता दूँ कि आप इसको कम में 16,000 रुपये में या 16,000 रुपये से कम में कैसे परचेज करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी इसे खरीदिए किसी ना किसी सेल में खरीदिए। अमेजन पे अभी सेल चल रही थी, शनिवार से लेकर सोमवार तक सेल थी, तो उसमें आपको करीब करीब 2,500 रुपये तक की छूट मिल रही थी, और 2,500 रुपये ऐसे उल्टे सीधे कामों से नहीं मिल रही थी, केवल आपको SBI के ATM कार्ड से पेमेंट करनी थी और आपको 10% छूट उस पर मिल रही थी। उसके अलावा भी आपको कई सारी छूट मिला के कम से कम 2,500 रुपये की छूट मिल रही थी। इस लैपटॉप को मैं आपको बता दूं, इस लैपटॉप को मैंने खुद से ही 14,500 रुपये में लिया था, वो भी स्नैपडील से। तो इसमें मेरे कई सारे ऑफर लग गए थे, मतलब एक तरह से बैंक ऑफर भी लगा था और स्नैपडील की तरफ से भी ऑफर चल रहा था, वो भी लगा था। उसके अलावा मेरे पास काफ़ी सारे स्नैपडील के कूपन थे, वो भी मैंने यूज किए थे, इसकी वजह से ये मुझे 14,500 रुपये का मिल गया। लेकिन ये आपको आसानी से मिल सकता है अगर आपके पास कूपन नहीं है, केवल अगर किसी स्पेसिफिक बैंक का ATM या डेबिट कार्ड है तो आप आसानी से इसे 2,000 रुपये में कम में ले सकते हैं। अगर फ्लिपकार्ट पर डील चलती है तो आपको ये 16,500-17,000 रुपये में आराम से मिल जाता है, और अमेजन पे आराम से 2,000 रुपये कम हो जाएंगे, 18 का लिस्टेड है तो ये आपको 16,000 रुपये मिल जाएगा। इसी तरह स्नैपडील में भी जब सेल चलती है तो ये आपको कम प्राइस में मिल सकता है। ये वाला लैपटॉप प्रोफेशनल के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, वर्किंग पर्सन के लिए भी अच्छा है, और घर के यूज के लिए लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो वेट है 1 किलो 800 ग्राम है। नॉर्मल जो लैपटॉप होते हैं उनका वेट 2 से 2.5 किलोग्राम तक रहता है, आज की डेट में भी लोग कहते हैं इतना भारी अब लैपटॉप नहीं आता, लेकिन आज की डेट में भी 15.5 इंच की जो स्क्रीन होती है वो 2 से 2.5 किलो की होती है, और 14 इंच की होने की वजह से 1 किलो 800 ग्राम इसका वेट है, जो आसानी से कैरी हो जाता है, छोटे बच्चे भी कैरी कर सकते हैं अगर थोड़ी दूर पे ही ले जाना हो, कि जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई कि भैया ये काम करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती, तो आपको आसानी से ये 16,000 रुपये में मिल सकता है।
ये स्टूडेंट के लिए, प्रोफेशनल के लिए अच्छा लैपटॉप है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइक बिल्कुल फ्री है, लाइक के कोई पैसे नहीं लगते। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां पे क्लिक कर दीजिए और उसके बगल में एक रेड में एक बेल आइकन आएगा, उसको दोबारा से क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।